सो हेलो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू माई चैनल रॉयल गेमिंग। सो गाइज, आज हमारा फर्स्ट डे है GTA 5 में। सो आई नो कि आपने इस गेम के बारे में बहुत सुना होगा, बहुत फेमस गेम है ये। सो गाइज, इससे पहले मैंने एक दो मिशन करे थे। उन एक दो मिशन में से वैसे एक मिशन में मुझे वाइट कलर की कार मिली थी, बट मुझे कार इतनी खास लगी नहीं क्योंकि लोग उनके पास इससे अच्छी कार थी। सो मेरे पास ये एक और कार है, बट ये कार कोई सी मिशन की नहीं है गाइज, ये मैंने चोरी करी थी। सो गाइज, मैंने ये चोरी करी थी एक सेलिब्रिटी के गैराज में से खड़ी थी कार। उसकी सिक्योरिटी बहुत तगड़ी थी, बट फिर भी हम ले आए इस कार को। सो गाइज, अब मतलब इसकी स्पीड मैं आपको बता देता हूँ, बहुत तेज चलती है। देखो गाइज, एकदम से मतलब 200 या 300 की स्पीड पकड़ लेती है गाड़ी। ओ भाई, कुछ हरोश तो नहीं है। तो गाइज, हम जा रहे हैं एस मिशन पे, कोई सा एस मिशन दिया है, तो हम पहले चेक कर लेते हैं कहाँ है ये मिशन। तो मैप में हम चेक कर लेते हैं एस, ये रहा। सो गाइज, हम जा रहे हैं एस मिशन पे। तो गाइज, ये एस मीनिंग मतलब कैरेक्टर का नाम है कोई का, जब ये एस मिशन दिखा रहा है। सो गाइज, कैरेक्टर के नाम के पहले कोई से एस लगता है, इसलिए नाम दिखा रहा है। तो चलो हम यहाँ चलते हैं। अभी हम आ गए मोटर स्पोर्ट्स डीलक्स पे, जहाँ पे इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का बिजनेस चलता है, मतलब कार ऑन आती जाती रहती है, शोरूम समझ लो एक तरह से। अरे गेट तो भूल गया बंद करना, गेट तो बंद कर दे। वाह, धक्का मार के गेट बंद करते हैं हम गाइज, हाथ से नहीं करते। वाह, तो गाइज हम पीछे से जाते हैं, इधर से तो लगता है रास्ता नहीं है, पीछे से ट्राई करते हैं रास्ता ढूंढने की, इधर से होगा रास्ता। बट यार गाइज, ये पता नहीं धीरे हो जाता है, जब भी मिशन पे आता है ना तो धीरे धीरे चलने लगता है, कभी तेज चलता है कभी धीरे। ग्लिच है यार मेरे गेम का, पता नहीं क्या सीन है। तो हम आ चुके हैं मोटर स्पोर्ट्स के अंदर शोरूम में। ओ भाई, यहाँ भी कार खड़ी है, बट यहाँ भाई इतनी खास कार खड़ी नहीं। ओ भाई, ये है बंदा। तो गाइज, आई थिंक ये है सिमोन, इसका नाम है एस से शुरू होता है, और ये कैरेक्टर है वो जिसका नाम है एस से शुरू होता है। सो गाइज, हम चले अंदर ले जा रहे हैं यहाँ पे। ओ भाई, ये क्या अनाउंस कर रहा है। तो गाइज, ने हमको एम्प्लॉय बना दिया, मक्खन लगा रहे हैं, मतलब कि मिशन करें हम इसका। But I gotta move forward in my life. It seems like all I do is let people tell me what to do and I do it and nothing changes. तो गाइस, ये बोल रहा है कि किसी को चांस नहीं मिलता, ये तुम्हें मिला है। अब लिसन केयरफुली, मतलब कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। अब देखो गाइस, गाइस ये बोल रहा है आज व्हीकल आने वाले हैं, इंटरेस्ट हाई रेटेड इंटरेस्ट पे, तो मिशन करना है कुछ। अब देखते हैं क्या दे रहा है। तो गाइस, ने बोला है कि एक बंदा हमारी बाइक चुरा के ले गया है। सो अब हमें उस बाइक को ढूंढने जाना है वहाँ पे वेस्पुची बीच पे, हमारे दोस्त के साथ। ये हमारा दोस्त हमारे साथ जा रहे हैं, तो वेस्पुची बीच जा रहे हैं हम गाइस। हमारी कार लेके, हमारी कार देखते हैं किधर खड़ी, इधर खड़ी है कहीं पे, ये रही। तो गाइस, हमें ये कार लेके हमें वेस्पुची बीच पे जाना है, उनके बीच में से मतलब बाइक लानी है गैंग मेम्बरों के। तो गाइस, ये बंदा बोल रहा है कि तुम ड्राइव करो। अब इसने हमारी ड्राइविंग देखी नहीं है लगता है, तो दिखा देते हैं इसको हमारी ड्राइविंग। वैसे इतनी बुरी भी नहीं चलाते, बट इस गाड़ी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है गाइस। मॉडिफाई कराएंगे इस गाड़ी को, इसके ब्रेक बहुत कम लगते हैं और ड्रिफ्ट बहुत ज़्यादा खा लेती है, मतलब अलग ही स्मूथ में चले जाती है। तो देखते हैं, ये पाथ फॉलो करना है हमको, अभी देखते हैं। चलो एक बार ड्रिफ्ट खिला के देखते हैं। ओ भाई, जाने दो, जरा में पलटी खा जाती है गाड़ी, तो जरा से ड्रिफ्ट में मतलब एकदम गाड़ी स्मूथ चले जाती है। ओ भाई 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 भाई, ओ भाई गलत सीन हो गया, तो बे मतलब में खड़े थे बेचारे, नहीं गलती वैसे हमारी, ये बेचारे खड़े थे। चलो इधर फुटपाथ से चला देते गाड़ी। ओ भाई, इनको ढोक दिया गाइज। हमारी ड्राइविंग सचमुच यार बहुत बेकार, कभी कभी अच्छी हो जाती है। जैसे अभी तुम्हारे भाई ने देखो कैसी निकाली गाड़ी बीच में से उनके दो गाड़ियों के, तो कभी कभी अच्छी हो जाती है और कभी कभी बुरी अभी जैसे अभी। तो चलो देखते हैं गाइज, शायद हम इधर जाना है, हमें रास्ता हम भटक गए और गाड़ी की हालत थोड़ी ख़राब हो गई है, तो अपग्रेड करा लेंगे बाद में, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, बट अभी देखते हैं। तो हम आ चुके हैं गाइस फाइनली यहाँ पे, इस जगह पे, यहाँ पे कहीं पे हमारी बाइक छुपा के रखी है उन लोगों ने, तो हमें बाइक ढूंढनी है। भाई इतना धीरे क्यों चल रहा है ये बंदा, क्लाइम। ओ भाई ये कौन है, अरे इसकी तो हालत टाइट दिख रही है भाई, इसने छुपाई है क्या हमारी बाइक। चल इधर इसको देते हम बाइक, चल निकल।
एक मुक्के में गिर गया गाइस, ये तो कुछ भी मतलब टाइट था बहुत, लगता है मर गया, लगता है पता नहीं मरा कि क्या। गाइस ये देख के जा रहे बंदे, लगता है इनको शक हो गया हम पे कि हम इनकी बाइक ढूंढने आए, मतलब हमारी इनकी कहाँ से हमारी बाइक ढूंढने आए हम, लगता है इनको शक हो गया। यहाँ भी कार्स खड़ी हैं, अभी लगता है चोरी की सब कार होन खड़ी है। आगे जाके देखते हैं तो गाइस हम पर गन वन तो कुछ है ही नहीं, सब मुक्के मुक्के हैं। गाइस पता नहीं हम मैं भाग क्यों नहीं पा रहा हूँ, ये देखो भाग नहीं पा रहा हूँ, इसके पीछे जाके भाग के देख, यहाँ भाग पा रहा हूँ आगे नहीं जा पा रहा हूँ। आई थिंक गाइस हम इससे बात कर रहे इसलिए नहीं भाग पा रहे। तो गाइस आई थिंक हमें इसे चेक करना चाहिए, सर्च द गैराज, सर्च द गैराज लिखा है देखो गाइस, मतलब इसमें ही कहीं पे बाइक है। यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो सोफा पड़ा है, यहाँ पे होगा, यहाँ भी नहीं है आई थिंक, नहीं है, लास्ट गैराज बचा। अब इसमें भी नहीं हुआ तो फिर गाइस ढूंढना पड़ेगी बाइक, चलो देखते हैं। ओ भाई इसमें भी नहीं है। अब ये अपना दोस्त तो बोल रहा है बाइक कहीं का, तो गाइस ये कौन आ गए? ओ शिट गैंग मेंबर आ गए, मतलब यहाँ इस जगह के, हम इनके इलाके में आए इसलिए। ओ भाई चलो कवर ले लेते हैं फटाक से, गन गन कहाँ है? अरे ये पड़ी है, इसके पास भी है क्या कुछ शॉट गन वॉट गन? बड़ी दो यार गन, इतनी सी क्या कहा नहीं है। अरे कवर ले लेते हैं, अरे इधर नहीं इधर, चलो अब मारते। ओ भाई ये लेट के मार रहा है, देख रहे हो इसको, मतलब ओ भाई भाई तीन गोली में मार रहे, साइरन चालू कर दिया हमने गोली मार के, इसको मारते हैं हम। ओ भाई ओपी, मतलब शॉट बहुत गलत लग रहे हैं हमारे, चलो बिना उसके देख के मारते हैं, नहीं एम ही लगाना पड़ेगा। उसके हाथ पे ही मार दिया गाइस, उसने हाथ किया तो। ओ भाई चलो आगे चलते हैं, कवर लेते हैं फटाक से। ओ भाई ये कहाँ से आ गया? हमारे दोस्त ने बचा लिया, एक ऊपर है ये तो मशीन गन लेके खड़ा है, इसको मारते हैं, यूजी लेके खड़ा था ये तो। चलो आगे चलते हैं, और कहाँ है बंदे भाई? ये तो आते ही जा रहे गाइस, बंदे तो बढ़ते ही जा रहे हैं, ऊपर साइड है कहीं पे देखते हैं। ये रहा हमारा, लगता है दोस्त ने मार दिया उसको। चलो आगे बढ़ते हैं, बंदे तो बढ़ते ही जा रहे, चलो इसको भी मारते। ओ भाई गाइस ये बंदों को आखिरी गोली मारते हैं, वैसे ही अपने को भी डैमेज दे रहे हैं गाइस, मतलब ओ भाई, ओ भाई लेट के मार रहे हैं, देख रहे हो मतलब रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। ओ अरे ये गाड़ी लेके कहाँ जा रहा है, भाग रहा है क्या? इसको मारो फटाक से, शूटिंग अ गैस टैंक तो, अरे गैस टैंक पे ओके मारने को। ओ भाई साहब क्या ही मारा यार, क्या ही ब्लास्ट हुआ यहाँ पे। अब हमें हमारी गाड़ी वापस ढूंढने जाना पड़ेगी। ओ भाई आई थिंक ये हमारी गाड़ी है। ओ भाई ये कहाँ गया? अरे ये कहाँ लेके जा रहेगा, इसको फटाक से पकड़ना होगा, इसके पास है हमारी बाइक। एक तो गाड़ी भी लेगा और स्टंट भी दिखा के चला गया, लेकिन बहुत सही था यार स्टंट। एक तो ये भी धीरे धीरे चल रहा है गाइस, हमारा दोस्त भी बहुत धीरे चलता है, वो देखो कितनी दूर निकल गया। बट हम भी कोई कम नहीं, हमारी गाड़ी भी यूं निकाल जाएगी, मतलब उससे उसके पास यूं पहुंच जाएंगे गाइस हम। बाकी थोड़ा दूर निकल गए क्योंकि गाइस यार उसके पास बाइक है, हमारे पास कार है, तो गाइस कार का यही मतलब सीन रहता है कि रेड लाइट पे तो रुकना पड़ता है, थोड़ा सा ब्रेक तो लगता ही है वरना रोटेशन मार जाती है। चलो आप देखते हैं इसके पास पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत दूर है यार गाइस वो तो। तो फाइनली गाइस अब मिला है बंदा, अब इसको पकड़ते हैं, इसने स्पीड स्लो कर ली है, अब कहाँ जाएगा बेटे? था फायर करते इस पर। ओ भाई क्या ही पड़ी यार उसको, क्या ही पड़ा उसको शॉट उसके कंधे पे, सीधा नीचे गिर गया। फटाक से हम बाइक उठाते हैं गाइस, ये हमारा फ्रेंड बोल रहा है कि मतलब ये वॉश कार वॉश पे मिलेगा, हमें बाइक वहाँ ले जाना है, तो फटाक से ले जाते हैं बाइक। तो फाइनली गाइज अब जाके हमारे गैंग मेंबरों की हमको गाड़ी मिली है, मतलब ये ग्रीन कलर की। बट गाइज ये इतनी मतलब खास लगी नहीं क्योंकि स्पीड थोड़ी कम है, बट गाइज यार वो बंदा भगा रहा था तो स्पीड आई नो कि अच्छी होगी, क्योंकि हमने अभी तक टेस्ट नहीं किए, तो थोड़ी बहुत विली तो अच्छी खा रही है। बट थोड़ा ड्रिफ्ट भी करा के देखते हैं यहाँ पे, तो ड्रिफ्ट कराते हैं यहाँ पे। ओ भाई सही 60 खा रही है यार, मतलब गाड़ी अच्छी है ये भी। तो गाइज मतलब गाड़ी तो अच्छी है बट
हमको अभी थोड़ी बहुत चलाते नहीं आ रही आई थिंक, इसलिए देखो थोड़ी बहुत विली खा रही है यहाँ पे भी। चलो कोई नहीं, ये बाइक भी ठीक है। बट गाइस एक और हम मतलब बाइक इंपोर्ट कराएंगे यार, थोड़ी अच्छी और बाइक, बट हमारे पास अभी फ़िलहाल में तो पैसे नहीं है क्योंकि हमारे पास $50,000 ही है दो तीन मिशन से मिले हुए। तो गाइस हम फाइनली आ चुके हैं यहाँ पे। ओ भाई ये बंदा पहले ही आ गया, मतलब क्या कार वॉश पे पहले ही आ गया माई कार लेके। बहुत चंट है गाइस ये बंदा भी, मतलब इसको भी हम बाद में देख लेंगे, इसको पहले बाइक दे के रवाना करते हैं। तो आई थिंक गाइस मिशन पास हो गया है, तो देखो गाइस मिशन भी पास हो गया है। एंड गाइस हमारी थोड़ी कार अपडेट करा लेते हैं, थोड़ी धूल मिट्टी दिख रही है तो थोड़ी अपडेट करवा लेते हैं यार जाके। एंड टर्बो और वो लगा लेंगे गाड़ी में, वैसे चोरी किया इसमें क्या टर्बो लगा था, बट कोई नहीं यार अब कार हमारे पास है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा अपडेट भी इसमें। तो फटाक से चलते हैं, फिलहाल तो अभी अच्छी चल रही है, चलो देखते हैं आगे। ओ भाई अरे तेको मेरे ही आगे आना था क्या? हाँ तेरी तो, ओ भाई ये क्या कर रहा है बंदा, सीधा हमारे में घुसा दी। तेरी तो साले कहाँ भगेगा, रुको इसको मारते गोली से। ओ भाई पड़ा इसको हेडशॉट पड़ा, बट पता नहीं क्या पड़ा, हेडशॉट पड़ा कि कंधे पे पड़ेगी, साला मरा ही नहीं। चल फटाक से हम चलते, कार उठा के हमको जल्दी जाना है यार, ये खम्भे वम्भे भी गिरा दिए उसने बंदे ने। तो गाइज हम आ गए लॉस सैंटोस कस्टम्स गैरेज में, मतलब तो गाइज हमारी गाड़ी का नाम है ग्रोटी टूरिस्मो आर, पता नहीं कौन सी कंपनी के भाई। तो गाइज हमारी रीस्प्रे होके आ चुकी है कार, देखो गाइज अब कितनी सही लग रही है, मतलब पर्पल नियॉन के साथ ये कार कितनी सही लग रही है। तो गाइज मतलब पहले वाला कलर भी अच्छा था, मतलब फरारी का था पहले वाला कलर, बट हमारी कार फरारी तो है नहीं, पता नहीं कौन सी कंपनी के, बट ठीक है। और कुछ ब्रेक्स व्रेक्स भी डलवाए हैं और टायर वायर भी करवाए हैं, जिससे बहुत तेज मतलब स्पीड अच्छी खासी हो जाएगी इसकी, अब थोड़ी आराम से ले जाते हैं नहीं तो सीन हो जाएगा, वापस रिपेयर करने आना पड़ेगा। देखो गाइज अब मतलब ड्रिफ्ट नेक्स्ट लेवल खा रही है यार, देखो गाइज ओ भाई सही साठ ड्रिफ्ट खा रही है अब तो, इसको अब सीधे हम गैरेज में ले चलते हैं हमारे। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और उस बेल नोटिफिकेशन क्लिक कीजिएगा जिससे आपको मेरे न्यू अपडेट मिलते रहेंगे। सो मैं आपको मिलूँगा आप नेक्स्ट सीजन में, नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें हम अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। ये कौन कर रहा, आहा कौन कर रहा भाई, इसके आंटी है क्या? चलो इसको भी सुला देते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।